मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल सबके? भाई सुबह के 5:30 हो गए हैं, तो मैं उठ गया हूँ और अभी सामान पैक करना है, क्योंकि आज कल हम पिथौरागढ़ ही पहुँच पाया मैं, क्योंकि लैंडस्लाइड जितनी थी हालत ख़राब हो गई बुरी तरह। और मैं रात को आपको कमरा भी नहीं दिखा पाया, ऐसे ही सो गया आगे, और मेरी बुरी हालत हो गई। और जैसे मैंने कपड़े उसी में सो गया आगे, बहुत। और रात को ठंड भी लग गई थी, बुरी हालत हो गई थी मेरी। चलो, ये तो होता ही रहता है ट्रिप्स में, नॉर्मल है। चलो अब सामान पैक कर ले, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट भी करना है और फिर निकलना है। और कमरा मैसी हो रखा है, पूरा पूरा समेटना है सामान। जो ले जाना है सिर्फ वही सामान बैग में डालना है, और फालतू सिर्फ हम आगे दांतों में जहाँ हम रुकेंगे जाके, वहाँ पे किसी को पैसे देंगे, वहाँ अपना सामान रखवा देंगे, या फिर नहीं होटल वाले से बात करता हूँ यहाँ पे। और फिर कल रास्ते में एक भाई भी मिल गए थे, वो भी इस साइड ही आ रहे थे, और अब उनसे उनके कारण मुझे भी अच्छी हेल्प मिल जाएगी, दोनों को हेल्प हो जाएगी एक दूसरे की। तो करते हैं, अभी पैकिंग कर लूँ और फिर बाद में आपसे बात करता हूँ। चलिए। चलो भाई भाई, आज डेट है 25 और टाइम है अभी सुबह के 8 बजे। तो अब निकल रहे हैं मैं और भाई दांतों के लिए, और उसके बाद फिर वहाँ सामान रख के अपना, और फिर वहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे ऊपर। हाइक एंड ट्रैक मिक्स है, बाकी कैंपिंग करेंगे, आपको दिखाते हैं। चलो लेट्स गो। ओके भाई, लो हम चल पड़े। इसकी बार इसके आगे वैली और अच्छी हो जाएगी, यहाँ से टर्न लेना है भाई। यहाँ से वैली आगे जाके और अच्छी हो जाती है, और आगे ऑफ रोडिंग भी आएगी काफी। बाकी जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। चलो आगे अपडेट देता हूँ आपको, बाय। धारचूला से पीछे हूँ अभी, है धारचूला कम से कम 50 किलोमीटर बड़ा। अब व्यू देखिए कितना अच्छा, भाई अपना वो जा रहा है आगे, लगता है चाय के लिए रुका। चलो चाय के लिए रुक लेते हैं, फिर करते हैं आगे। अभी दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लिया, एकदम हैवी, अब जरूरत ही पड़ेगी दोपहर तक। पर हमने आधा घंटा आधा पौना घंटा ही वेस्ट कर दिया मैंने और भाई ने, और पिक्स बड़ी अच्छी की थी। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, gagan.garewal.89, ठीक है, और वहां पे आप अच्छी अच्छी पिक्स देख सकते हो, बहुत प्यारी पिक्स खींची मैंने। और अब बस बाइक खींचनी और धारचूला पहुंचना, और उसके बाद फिर वहां से आगे तो थोड़ा सा सामान लेना है धारचूला से, मेडिसिन वगैरह वो लेकर, उसके बाद बस फिर सीधा दांतू रुकेंगे जाके। और टाइम हो गया है 9:30, तो बस अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, और मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। और व्यू देखो कितना अच्छा है यार, बड़ी अच्छी जगह है, वैसे सही फैसला था यहाँ आने का मेरा। चलिए अपडेट देता हूँ आगे जाके आपको। फ्रेंड्स वो देखो सामने माउंटेन रेंज, पूरी बर्फीली, हम उस साइड ही जा रहे हैं, वहां पे बढ़ता है दारमा वैली, तो बड़ी अच्छी जगह है। देखो इतनी बर्फ है वहां पे, इधर कुछ नहीं है, वहां देखो ऊपर अगर आपको दिख रही हो तो। और वो जा रहा है हमारा भाई आगे,
साथ में ही रहेंगे, 2 दिन से साथ में ही है, आगे भी साथ में रहेंगे। तो देखो इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसको साथ मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो सोचो मत कि मैं अकेला हूँ, कैसा करूँगा, कैसे सब लोड करूँगा बाइक पे, ठीक है, सेफ है कि नहीं है। देखो भगवान भेज ही देता है किसी ना किसी को आपकी हेल्प करने के लिए, तो टेंशन मत रहो। इंसान अकेला आया है और उसने अकेले ही जाना है, तो कभी साथ की उम्मीद मत करो कि मेरे पास कोई साथ नहीं है, मैं क्या करूं। निकल जाओ भाई, भगवान का नाम लो और निकल जाओ। सोचते रहोगे तो एक ही जगह बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। निकल जाओ और एक्सप्लोर करो, बहुत बड़ा इंडिया, अब ये कर ले, उसके बाद फिर आगे की राइड्स भी मारेंगे लंबी लंबी। एक बार इंडिया कवर करना है मेरे को अपना, उसके बाद देखूंगा बाहर का मैं। चलो फ्रेंड्स आगे अपडेट लेता हूँ, बाकी मैं आपको उपदेश तो बहुत हो गए। चलो ओके। ये देखो कितना कुछ है दिखाने के लिए, क्या क्या दिखाऊं समझ नहीं आ रहा, पर ये वैली देखो कितनी अच्छी है, बताओ बढ़िया है ना। देखो क्या माउंटेन रेंज है, पूरी बर्फ की, सही है ना एकदम। चलो अगे और भी बहुत कुछ है दिखाने को, टाइम हो गया है 10 बज गए, देखते मेरा लगता है 2-3 तो बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते, बाकी कोशिश है थोड़ा तो जल्दी पहुंच जाए। ट्राई करते हैं, चलो लो भी दोस्तों दारचूला तो हम आ गए, ये राइट हैंड साइड पे दारचूला का रास्ता जाता है पीछे चौक था वहां से, और ये ऊपर रास्ता जाता है दुक्तू दांतू दांतू दुक्तू, पहले दांतू आता है फिर दुक्तू आता है, तो ये रास्ता उस साइड जाता है, ये जो ऊपर जाता है आगे आपको कट मिलेगा जो सिटी की तरफ जाएगा, उसके बाद इस तरफ निकले आप लेफ्ट लेना आपने वहां से। रोड ठीक है, इतना टीसी अच्छी थी, यहाँ पे तो थोड़ी नैरो है रोड। चलो बाकी टाइम स्टेप हुआ है 12 बज गए, तो 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, 2-2.5 बजे तक। बाकी करता हूँ मैं आपको अपडेट कैसा सीन है, रुकना है वहां पे रात रुकेंगे या ऊपर हाइक करेंगे पहाड़ की तरफ, जो भी हुआ मैं आपको अपडेट करूंगा। ओके गिल्ला सी का ब्रेक में लाई नहीं ऐसे गल करके, ओहो हो गया। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं। और ये हमारे पाजी गिर गए हैं थोड़ा सा, बच गए, कान च बजना सी, टकराया टुकर नहीं बस टेढ़ा ही हुआ है, थोड़ा पीछे खींचना जरा इसको, ये पकड़ लो एक मिनट क्लच दबो करो, लास्ट स्टैंड ला दो, तो मैं एकदम आके ब्रेक मारी नहीं तो कान च बजना सी जिद्दे। चल कोई ना, हां मेरे को लगा था। चलो कोई नहीं, चल कोई नहीं। चलो गाइस हाँ, टाइम शायद 12:30-1 बजे का है और हम धारचूला क्रॉस कर चुके हैं और हम धातु की तरफ जा रहे हैं, और ये ना पहाड़ और पास हो गए, सड़क एकदम छोटी हो गई है, और यहाँ पे कोई नेटवर्क भी नहीं काम कर रहा, ना जियो ना वोडाफोन कुछ भी नहीं काम कर रहा, ना मेरा काम कर रहा है ना वो भैया, उनका भी कोई नेटवर्क नहीं चल रहा है, उनके पास जियो है उनका जियो भी नहीं चल रहा। तो अब यहाँ से कट गए 2 दिनों के लिए, तो देखते कब तक पहुंचते हैं, और फिर वहां पे हमने सारा सामान भी रखना है, फालतू सामान ही लेके जाना ऊपर हमने, तो देखते क्या सीन बनता है, क्या सिचुएशन है आगे जाके, उसके अकॉर्डिंग ही आगे फिर देखेंगे, या प्लान जो भी प्लान चेंज हुआ अगर हमारा तो फिर आपको मैं अपडेट करूंगा। बाकी आप व्यू का मजा लीजिए, देखो पहाड़ कितने पास हो गए और इस साइड नदी है, मजा आ रहा है बहुत, बढ़िया जगह है,
हमें तो टूरिस्ट कोई दिखा नहीं, सिर्फ हम ही है दोनों, मैं और भैया और संदो। और ये आ गया पुल, चलो ये पुल पार करें। और ये है पुल भाई चढ़ना। बन रही है आपकी? हा? बन रही है? हाँ।